सीडी के बाय इलेक्शंस में 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। हालांकि चौहान बांगर सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जहां पर पिछले साल सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। ये देखिए कितना माहौल, कितना खुशनुमा है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि ढोल लगा रहे दिखाई दे रहा है, ये खुशी का माहौल है। विजय कुमार जी कैसा महसूस हो रहा है, इतनी बड़ी जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने? ये हमारे हर कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं, मैं नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता खुश है। और बाय इलेक्शंस में इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की हुई है, आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव होने, कैसा महसूस हो रहा है? ये आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल की जीत है। जनता ने प्यार इतना जताया है, आगे जनता को क्या देंगे नगर निगम के चुनाव में? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इतने कार्य किए हैं, उससे दिल्ली की जनता पूरी तरह से खुश है और बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि त्रिलोकपुरी की जो जनता है वो इनसे बेहद खुश है, इनके काम से खुश है? खुश है, त्रिलोकपुरी की जनता विजय कुमार जी से बहुत खुश है। उन्हीं में से भाई बोलते हैं कि भाई भगवान ने आपके सुन लिया, आपके सामने आ गए, और बाकी जो और सुनेगा 2022 में। हो गया काम, जय श्री राम। आज सुबह से ये ट्रेंड कर रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्या बीजेपी के नक्शे कदम पे आम आदमी पार्टी चलती नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। 15 साल हो गए भाजपा का, कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ एक काम किया घोटाले वाला, ठीक है। इसलिए जनता जो है 2022 में इनके हाथ में सिर्फ 0 दे देगी, और माननीय सीएम साहब को सारे हीरो दे देगी, एक एक पार्षद सीएम साहब का होगा। भवाना से जीत हासिल करने वाले रामचंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामचंद्र जी, ये बताइए कि एमसीडी की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन नगर निगम के बाय इलेक्शन में आपने 4 सीटें जीती हैं, 2022 की क्या तैयारी है, क्या ये ट्रेलर है? बिल्कुल ट्रेलर है, और 2022 में सारी सीटें आम आदमी पार्टी। जो जीत की खुशी आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर नजर आ रही है। कल्याणपुरी से जीते धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ है। धीरेन्द्र जी, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और दिल्ली वालों का धन्यवाद कि उन्होंने केजरीवाल मॉडल को इस बार इस फाइनल में जिताया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारे कार्यकर्ता खुश है। ये तो बाय इलेक्शन से अब एमसीडी के चुनाव बहुत नजदीक है, कैसी तैयारी है जनता के मन में, क्या विश्वास जगा पाएगी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी? देखिए मैम, अब विधायक भी हमारा है, पार्षद भी हमारा है, और सीएम भी हमारा है, तो सारे काम निश्चित रूप से मेरे वार्ड के यहाँ के सब अच्छी तरीके से। तो कहें कि ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये टेलर है, पिक्चर बाकी है आम आदमी पार्टी की। देखिए, कल्याणपुरी की जनता ने, मेरे वार्ड की जनता ने दिखा दिया कि ये नाली साफ करने का चुनाव था, सड़क साफ करने का चुनाव था, और सफाई सिर्फ झाड़ू से ही हो सकती है। और बीजेपी को जिस तरीके से दिल्ली में साफ किया है, उससे पहले कांग्रेस को साफ किया था, आने वाले चुनाव में 2022 में एमसीडी में जो बीजेपी ने इतने सारे भ्रष्टाचार कर रखे हैं, वो भी साफ हो जाएगी। सुबह से एक नारा लगाया जा रहा है, लो हो गया काम, जय श्री राम, ये क्या है? देखिए, ये जो इलेक्शन था, ये साफ सफाई को लेके था, नाली साफ करने का इलेक्शन था, सड़क साफ करने का, पार्क कैसे साफ हो, उसका एमसीडी का इलेक्शन था। लेकिन इसमें भी राम मंदिर को लाया गया, तो देखिए अब हमने तो काम कर दिया, और हम काम कम कर भी रहे हैं, तो इसलिए नारा आया है। तो नगर निगम के चुनाव में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है? क्लीन स्वीप करेगी मैम, जिस तरीके से दिल्ली क्लीन स्वीप करी थी, वैसे ही करेगी। तो हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से विधायक अर्षी जी। अर्षी जी, कैसा महसूस हो रहा है बाय इलेक्शन में 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, दिल्ली की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो एमसीडी से भाजपा को बाहर करना चाहती हैं, और जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है उसे एमसीडी में लाना चाहती हैं। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में हमने कांग्रेस को 0 कर दिया, एमसीडी के बाय इलेक्शन में भाजपा को 0 करके दिखा। एक सीट पर कहां चूक रह गई मैडम? देखिए, कई बार ये कैंडिडेट मजबूत होता है, चौधरी मतीन का बेटा, चौधरी मतीन जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो कई बार ये मजबूत कैंडिडेट से छोटे चुनाव में असर पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता का मैसेज एक तरफा है, स्पष्ट है, भाजपा को 0 सीट देके उन्होंने ये दिखा दिया है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की ही सरकार बनने वाली। लो हो गया काम, जय श्री राम, ये नारा।
अरविंद केजरीवाल से नारेबाजी में विश्वास नहीं करते, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा में विश्वास करते। देखिए अक्षय जी, गुजरात में भी बहुत अच्छा आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली है, क्या लग रहा है गुजरात में बीजेपी का गढ़ है गुजरात, वहाँ पर इतनी सीटें लाना बहुत बड़ी बात है। इससे ये साफ है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को और भाजपा को जिस तरह से नकारा है, उसी तरह से देश भर में भी अब जनता आम आदमी पार्टी को ही चाहती है, भाजपा और कांग्रेस को हटाना चाहती है। तो आपने देखा कितना खुशी का माहौल है, कोहली से जीत हासिल की है कुलदीप जी ने, आज इन्हीं से जानते हैं कि कहने इसे महसूस कर रहा है, और विधायक भी है यहाँ से, और जीत की खुशी जो इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, वाकई ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से जश्न का माहौल है, कैसे महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की चारों सीट जो जीती है, ये दिल्ली के लोगों ने जो प्यार समर्थन दिया है, दिल्ली के लोगों ने साबित कर दिया कि आने वाले 2022 के अंदर भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल मॉडर्न नगर निगम के अंदर आने वाला है। लेकिन दिल्ली की जनता ने चौहान बांगर सीट से आम आदमी पार्टी को क्यों नकार दिया, आखिर कहां कमी रह गई, क्या वजह रह गई? देखिए हम 5 में 4 सीट जीते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है, और हर सीट को 7-7-8 हज़ार वोट जीते हैं, ये बहुत बड़ा मार्जिन है दिल्ली की जनता का, ये बहुत बड़ा प्यार है। मुझे लगता है 5 में 4 जीते हैं, लेकिन आने वाले 2022 में हम 200 ये वही सीट है जहां पर पिछले साल दंगे हुए थे, मुस्लिम नाराज है आम आदमी पार्टी से? देखिए ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि जो लोकल कैंडिडेट वो ज़्यादा मजबूत थे, मतीन अहमद 3 बार विधायक उनके बेटे लड़ रहे थे, हो सकता है कुछ गलतियाँ रही हो, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों ने ये साबित कर दिया कि 4 की 4 सीटें देखे कि MCD से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है 2022 में। तो हम थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद, यहाँ पर बंपर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, जी हाँ बाई इलेक्शंस में 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी जीती है, 1 बार कांग्रेस जीती है, तो ऐसे में हर्षोल्लास साफ तौर पर सुबह से ही नजर आ रहा है। वही 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सारी जीतें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, ऐतिहासिक जीत होगी, और जिस MCD की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है उस पर अब आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई ये सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है, फाइनल में आम आदमी पार्टी किस तरह का परचम लहराती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने तमाम तस्वीरें देखी और हर्षोल्लास भी देखा, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।